नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी के डिफरेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर पता नहीं है कि स्मार्ट टीवी कैसे काम करता है या फिर एंड्रॉइड टीवी कैसे काम करता है या फिर एंड्रॉइड टीवी के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, स्मार्ट टीवी के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको विस्तार में बताने वाला हूँ। मेरे वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि स्मार्ट टीवी क्या है और एंड्रॉइड टीवी क्या है, इसके बारे में डिफरेंस क्या है। और इतना ही नहीं, नॉर्मल टीवी कैसे अलग रहता है स्मार्ट टीवी या फिर एंड्रॉइड टीवी के, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, आप किस तरह के यूजर हो और किस तरह का टीवी आपको परचेज करना चाहिए, ये भी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। और लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि अगर मैं यूजर हूँ, मैं एलईडी टीवी लेने चाहता हूँ, तो मैं कौन सा टीवी परचेज करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप लास्ट तक बने रहते हो, आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल टीवी की। नॉर्मल टीवी जो रहते हैं वो प्राइस रेंज में बहुत ही लो रहते हैं, लेकिन उसके साथ आपको उतनी फैसिलिटी भी कम मिलती है, जैसे कि इंटरनेट नहीं मिलता है आपको, वाईफाई भी नहीं मिलता है। कभी कभी आप अगर लेटेस्ट वर्जन में चले जाते हो नॉर्मल टीवी में, तो आपको ब्लूटूथ ऑप्शन मिल जाएगा। और नॉर्मल टीवी में आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आप HD या फिर नॉर्मल क्वालिटी में चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स को एंजॉय कर सकते हो। या तो भी आप अगर गेम का शौक रखते हो, आपको गेमिंग कंसोल से गेम प्ले करनी है आपकी नॉर्मल टीवी में, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आप जब परचेस करने जाते हो तो नॉर्मल टीवी में HDMI पोर्ट रहना चाहिए। बहुत सारे नॉर्मल टीवी में HDMI पोर्ट नहीं रहता, अगर HDMI पोर्ट नहीं है तो आप गेम को एंजॉय नहीं कर सकते। नॉर्मल टीवी में पीछे USB पोर्ट दिया जाता है, USB में आप पेन ड्राइव लगा सकते हो, पेन ड्राइव के थ्रू आप मूवी को एंजॉय कर सकते हो या फिर गाने सुन सकते हो। स्मार्ट टीवी में आपको नॉर्मल टीवी की तरह USB, HDMI पोर्ट या फिर सेट टॉप बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन स्मार्ट टीवी में अलग बात यह रहती है कि उसकी एक खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है। हर एक कंपनी अपनी स्मार्ट टीवी में अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी इनबिल्ट ऐप जिससे आप एंजॉय कर सकते हो अपने स्मार्ट टीवी के साथ। अगर आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन इनफ नहीं है मेरे लिए, तो आप अपने टीवी को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर में जा सकते हो और वहां से आप दूसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से क्या होता है कि वो सारी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो जरूरत की एप्लीकेशन होती है वो आप एंजॉय नहीं कर सकते हो स्मार्ट टीवी में। या तो फिर कह लीजिए कि वीडियो फॉर्मेट या फिर ऑडियो फॉर्मेट सारे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहती है वो पर्सनल रहती है कंपनी, वो यूनिवर्सल नहीं है। और स्मार्ट टीवी में आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट नहीं मिलेगा, जैसे मोबाइल में आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हो और अपडेटेड रहते हो, स्मार्ट टीवी में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन इसका फायदा ये है कि इसका इंटरफेस जो रहता है, इसका ऑपरेटिंग रहता है, वो बहुत ही सिंपल रहता है, रिमोट से ऑपरेट होता है, बहुत ही अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो, इनबिल्ट एप्लीकेशंस का भी आप यूज कर सकते हो, और ये नॉर्मल से थोड़े हाई रेंज में मीन्स आपको मीडियम बजट में मिल जाएगा। दोस्तों, एंड्रॉइड टीवी में स्मार्ट टीवी या फिर नॉर्मल टीवी के सारे फंक्शंस और फीचर्स ऑलरेडी दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, एंड्रॉइड टीवी में बहुत सारी इनबिल्ट एप्लीकेशंस रहती है जो रहती है मोर देन 5000, मीन्स आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएगी, आपको कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर करनी पड़ती है तो आप कर सकते हो, जैसे आप स्मार्ट टीवी में करते हो। एंड्रॉइड टीवी है वो जो गूगल की ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे ऑपरेट होता है, तो आपको सारी एप्लीकेशंस का सपोर्ट मिल जाएगा, सारे जो फॉर्मेट रहते हैं वीडियो फॉर्मेट ऑडियो फॉर्मेट वो सपोर्ट करते हैं, तो आपको कहीं पर लैकिंग नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, आप एंड्रॉइड टीवी में गूगल असिस्टेंट के थ्रू आप अपने वॉइस कमांड से आपके पूरे एंड्रॉइड टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स अगर आप बोलोगे वॉइस अप तो वॉल्यूम अप हो जाएगा, आप बोलोगे वॉल्यूम डाउन तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, आप बोलोगे स्टॉप तो म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। तो एंड्रॉइड टीवी को आप अपने वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हो गूगल असिस्टेंट के थ्रू, या तो फिर एलेक्सा के थ्रू, एलेक्सा भी सपोर्ट करता है एंड्रॉइड टीवी। इतना ही नहीं दोस्तों, एंड्रॉइड टीवी का अपडेट भी आपको बहुत ही आसानी से मिलता रहेगा अपने टीवी में, जैसे आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट मिलता रहता है आपको, एंड्रॉइड टीवी में भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो आप कभी भी आउटडेटेड होने वाले नहीं हो। लेकिन एंड्रॉइड टीवी में यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि उसका जो इंटरफेस रहता है, जो ऑपरेटिंग रहता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आपको अगर फर्स्ट टाइम इनिशियली यूज करना चाहते हो तो आपको थोड़ी तकलीफ आने वाली है, बाद में आप हैबिचुअल हो जाओगे। और एंड्रॉइड टीवी जो रहता है वो प्राइस रेंज में सबसे हाई प्राइस रेंज में रहता है,
एंड्रॉइड टीवी में एक और एक फंक्शन है क्रोमकास्ट। गूगल क्रोमकास्ट के थ्रू आप अपने टीवी को मोबाइल से पेयर कर सकते हो और बहुत सारी इनबिल्ट गेम रहती है या तो फिर आपके मोबाइल में जो गेम रहती है वो आप डायरेक्ट अपने टीवी में प्ले कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड टीवी लेने जाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम 2GB रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज वाला ही टीवी लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन रहती है गूगल की जो आपका टीवी बंद होने के बाद भी आपके बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग करती रहती है, तो आपकी मेमोरी या तो फिर आपका जो स्पीड रहता है उसको कंज्यूम करती है। तो अगर आप बहुत लो रेंज की रैम या फिर इंटरनल स्टोरेज के साथ जाते हो तो आपका टीवी वहां पे लैगिंग करेगा। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आपका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं, आप इंटरनेट नहीं चलाना चाहते हो अपने टीवी में, बस आप अपना इंटरनेट फोन में रखना चाहते हो, तो आप एक नॉर्मल टीवी के साथ ही जाइए। ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे जो चैनल रहती है उसका ऑप्शन मिल जाता है, यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है, HDMI का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप नॉर्मल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंटरनेट चलाना है अपने टीवी में तो आप जा सकते हो स्मार्ट टीवी के साथ, क्योंकि आपको वहाँ पे इनबिल्ट एप्लीकेशंस मिल जाएगी प्लस नॉर्मल टीवी के जो सारे फंक्शंस है वो सारे इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे यूजर हो जो ऑलवेज अपडेटेड रहना चाहते हो, ऑलवेज सारी सारी एप्लीकेशन जो नए नए मार्केट में एप्लीकेशन आती है उसको रन करना चाहते हो, या तो फिर अपने मोबाइल को कनेक्ट करना चाहते हो अपने टीवी में, मोबाइल में जो गेम है, मूवीज है, या तो फिर सॉन्ग है, अपने खुद के वीडियो है वो भी प्ले करना चाहते हो अपने टीवी में, तो आप एंड्रॉइड टीवी के साथ ही जाइए। सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आपको चैनल नहीं चलानी है तो आप अलग से ही जियो टीवी, टॉप टीवी या तो भी कोयो टीवी को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और अलग से ही अपने प्राइवेट चैनल चला सकते हो फ्री में। अगर आप मेरी बात करें तो मैं अगर टीवी परचेस करने जाता हूँ तो मैं एंड्रॉइड टीवी लूंगा। उसका रीजन ये है कि एंड्रॉइड टीवी वन टाइम आपको परचेस में थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, लेकिन आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देगा, पूरी सारी एप्लीकेशन से उसका सपोर्ट मिलेगा आपको, प्लस लाइफ टाइम आपको अपडेटेड रखेगा। आई होप आपको नॉर्मल टीवी, स्मार्ट टीवी या तो फिर एंड्रॉइड टीवी का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप टीवी लेने जाते हो तो एक वाइज डिसीजन लेके बहुत ही अच्छा टीवी अपने लिए ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।